एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाने वाले हैं, तो आज ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल खाएंगे और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा ना मूड अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों, जैसे उदास सा लग रहा था। तो हम क्या किए हैं कि होम थिएटर पे गाने लगा दिए हैं कि थोड़ा सा तो अच्छा फील हो, थोड़ा सा तो अच्छा लगे। तो चलिए ये नाश्ता करते हैं, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये कहीं नहीं जा सकता है। दिन की शुरुआत तो हो ही गई है, अब काम की शुरुआत कर लेते हैं। तो होम थिएटर पे गाने चल रहे हैं, तो गाने के साथ थोड़ा सा मूड अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहले डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, ये सबसे ज़रूरी काम होता है हर दिन का। डीपली डस्टिंग कहिए या जो भी डस्टिंग कहिए, डस्टिंग तो डस्टिंग है और करनी ज़रूरी है। और वैसे भी हमारे एरिया में ना इतनी ज़्यादा डस्ट होती है कि एक दिन अगर आपने लापरवाही की तो दूसरे दिन तो ऐसा लगेगा हफ्तों से गंदगी घर में जमा हो गई हो, क्योंकि माइंस एरिया है ना, तो यहाँ पर डस्ट ज़्यादा ही होता है। और अब फिलहाल तो अब जरूरत से ज़्यादा होने लगा, क्योंकि अगल बगल इतने सारे घर बन रहे हैं, इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो धूल मिट्टी जाएगी कहाँ, घर में ही आएगी ना। और डस्टिंग के साथ साथ लगे हाथ जो पौधे होते हैं ना इंडोर वाले, उनकी भी थोड़ी बहुत देख रेख कर लेते हैं, जब जैसे टाइम मिलता है कर लेते हैं। कोई ऐसा नहीं रहता कि एकदम ये टाइम फिक्स है तो इसी पे करना है, चलते फिरते जब भी दिख जाता है तो पौधों की थोड़ी बहुत केयर हम कर लेते हैं। तो इनका जो पानी था वो चेंज कर दिए और थोड़े पत्तों को वॉश कर दिए, तो ये देखने में काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहे हैं। तो इस तरीके से ये फर्स्ट रूम की क्लीनिंग हो गई है कम्प्लीट। साफ़ सफाई हो गई है और इस रूम से कुछ पौधे अभी बाहर पोर्च में रखे हैं धूप लगने के लिए, 2-3 दिन फिर उनको अंदर फिर से रीसेट करेंगे। और यहाँ आ गए हॉल में, हॉल में रखा हुआ है सिलेंडर, तो इसको लेके चलते हैं स्टोर रूम में। और कोई बाहुबली नहीं है, ये खाली सिलेंडर है, ऐसा मत सोचिएगा कि वाह ये तो भरा हुआ सिलेंडर उठा के एकदम आराम से लेके चली गई, तो वो खाली सिलेंडर था। तो अब चलिए चलते हैं किचन में और किचन का मोर्चा संभालते हैं। तो आज बनाने वाले हैं मटर के पराठे और साथ में बहुत ही टेस्टी और यमी सा है लाल टमाटर के खट्टी मीठी वाली चटनी, जो कि मेरे पापा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और खेत में इस समय ना टमाटर की भरमार है, तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको रफली चॉप कर लेते हैं, उसके बाद आपके साथ टमाटर की ये खट्टी मीठी वाली चटनी की जो रेसिपी है वो शेयर करेंगे। और यहाँ काम के साथ साथ मम्मी से कुछ कुछ बातें भी करते जा रहे थे, तो ऐसे चलता रहता है, हम लोगों का काम भी होते रहता है, मुँह भी चलते रहता है, हाथ भी चलते रहता है। तो उसी के साथ यहाँ पर देखिए सारे टमाटर रफली चॉप कर लिए हैं। ये जो टमाटर हमने रफली चॉप किए हैं तो इनको मिक्सर जार में डाल के अच्छी तरीके से पीस लेना है और बहुत बारीक महीन सा पीसना है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसे अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि जो भी इसके छिलके और बीज होते हैं ना वो सब अच्छे से अलग हो जाए और हमें बहुत फाइन सा टमाटर का पेस्ट मिल जाए। तो यहाँ ये देखिए अच्छे से इसको छान लेंगे, तो जो भी बीज वगैरह होगा ना वो सब छन के अलग हो जाएगा। और यहाँ पे दूध वाले भैया दूध देके गए थे, तो वो भी गैस पे चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। और यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा चम्मच डाल देंगे कुकिंग ऑयल, यहाँ पे रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं जिनको बारीक कूट लिए हैं, तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें डालेंगे अब लाल मिर्च। यहाँ 4 लाल मिर्च हैं जिनको 2 टुकड़ों में कर लिए हैं। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच पंचफोरन का डाल देंगे, और जैसे ही ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा इसके बाद इसमें 2 चुटकी के बराबर हींग डालेंगे, और हींग डालने के तुरंत बाद जो लहसुन हमने कूट के रखा था ना वो डाल देंगे, और साथ में थोड़ी सी हल्दी। इन सबको अच्छे से हम लोग थोड़ा फ्राई करेंगे, जैसे ही लहसुन का कलर हल्का सा चेंज होगा जो टमाटर हमने पीस के रखा हुआ है उसे डाल देंगे और अच्छे से चलाना शुरू कर देंगे। और चलिए अब ड्राई मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले फूड कलर है ये रेड कलर का, वो 1 चुटकी डालेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, देन ऐड करेंगे खड़ा सौंफ 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1 टेबल स्पून या स्वाद के अनुसार काला नमक। इसके बाद ऐड करेंगे हम लोग चाट मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, और लास्ट में ऐड करेंगे सोट पाउडर।
वो भी एक टेबल स्पून। इसमें से जो भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करना हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो उस हिसाब से इसके जो रेशियो है मसालों के वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको धीमे धीमे आंच पे पकने देंगे। और यहाँ पर मम्मी का मन हुआ अचानक से चाय पीने का, तो चाय तो चढ़ा दिए थे लेकिन पता नहीं कैसे चाय गैस पे फैल गई। दो बार से इधर ऐसा हो रहा है कि चाय गैस पे हमसे फैल जा रही है, ऐसा कभी होता नहीं लेकिन पता नहीं कैसे कहाँ ध्यान चला जाता है कि गैस पे चाय फैल जाती है। साथ में यहाँ कुकर में जो मटर है वो फ्राई करने वाले हैं क्योंकि मटर के पराठे बनने हैं, तो यहाँ पे सरसों तेल डाल दिए हैं एक बड़ा चम्मच, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें जीरे और हींग का तड़का लगाएंगे। इसके बाद लहसुन, हरी मिर्च और अदरक ये इसमें छौंक लगा देंगे, और फिर जो मटर है वो डाल देंगे। कुकर में मटर इसलिए आज तैयार कर रहे हैं क्योंकि ना दो दिन के अलग अलग मटर हैं, दो बार के, तो जो पहले वाला मटर था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था और थोड़े ही थोड़े दोनों अलग अलग रखे हुए थे, तो हम बोले लाओ कुकर में कर देते हैं तो एक जैसे हो जाएंगे, मतलब अच्छे से दोनों ही पक जाएंगे, जो पहले वाला मटर है वो भी और जो ताज़ा मटर है वो भी। इसलिए यहाँ कुकर में ही छौंक लगा दिए हैं, और जैसा नमक इसमें डालना है उस हिसाब से नमक डाल के और प्रेशर लगा देंगे। एक से दो सीटी आने देंगे तो जो मटर है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और इधर बातें चल रही हैं, बातों के बिना काम कैसे, वैसे भी बहुत ना मन शांत शांत सा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो कैसे भी बस मन को बहलाने की कोशिश में लगे हुए थे कि काम करते जाओ बातें करते जाओ शायद अच्छा लगने लगे। तो यहाँ चाय तैयार हो चुकी है, तो अब चाय बनाते हैं, चाय बनाते नहीं है चाय पीते हैं। तो यहाँ पे सबकी चाय निकाल लेते हैं और बैठ के फिर चाय पियेंगे। चाय भी सुकून से पी नहीं जाती है, चाय के साथ भी काम चल रहा है। यहाँ ड्राई फ्रूट्स कट कर रहे हैं और साथ में आंटी से बातें कर रहे हैं। आंटी कुछ अपने घर की बातें बता रही थी तो वही उनकी बातें सुन रहे थे। देखिए कभी कोई हर इंसान को ना एक सुनने वाला इंसान भी चाहिए होता है, वो जब मिल जाता है ना तो सामने वाला अपने मन की सारी बात उससे कह सकता है। तो आंटी के साथ कुछ ऐसा ही है, वो मेरे से अपने दिल की हर बात कहती हैं, तो लगता है कि ठीक है वो हमको कुछ समझती हैं तभी तो कहती हैं, तो सुन लेते हैं। तो चाय पे चर्चा तो हो चुकी थी, और तब तक यहाँ पे जो चटनी थी टमाटर की वो भी काफ़ी अच्छे से पक गई थी, तो इसमें ऐड कर दिए हैं गुड़। और ये गुड़ लेके आए थे हम लोग शादी में जब गांव गए थे ना, तो वहाँ से बहुत ही टेस्टी गुड़ है। और जो टमाटर है वो 2 किलो के लगभग था, तो गुड़ इसमें 1 किलो के लगभग डाले हैं। चटनी थोड़ी खट्टी मीठी होनी चाहिए, मिठास भी चाहिए क्योंकि पापा को खाना है। देन इसके बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ मखाना है, काजू है और किशमिश। ये सब ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड किए हैं काली मिर्च पाउडर, और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसको फिर से पकने के लिए रख देंगे। ये धीमी धीमी आंच पर जितने अच्छे से पकेगा चटनी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, तो इसे पकने देते हैं। इधर जो मटर था वो भी अच्छे से पक चुका था, तो यहाँ पे 1 बंच ये धनिया है जिसको रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि अभी ये जो धनिया है ये मटर में ही डालने वाले हैं। और 2 मिनट के लिए गैस पे इसको रख के फिर से अच्छे से चला देंगे और थोड़ा भून लेंगे, जिससे कि जो धनिया है उसका कच्चापन भी निकल जाए और मटर थोड़ा सा और सोंधापन मटर में आ जाए तो ही अच्छा लगेगा। वैसे तो कढ़ाई में ही हमेशा भून के तैयार करते हैं ये मटर, तो बहुत ही सौंधा सौंधा सा लगता है, लेकिन 2 अलग अलग जगह मटर रखे हुए थे इसलिए कुकर में किए और 2 मिनट और अच्छे से भून दिए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गया है। तो ये देखिए अब ठंडा होगा, फिर इसको पीस लेंगे। और अभी हम नहा वहा के यहाँ पर देखिए पूजा भी कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए चटनी बिल्कुल हो चुकी है तैयार, जिसमें चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो ये टमाटर की खट्टी मीठी चटनी जो कि गुड़ से तैयार की गई है बहुत ही टेस्टी और यमी है। आप इसको किसी भी तरीके से किसी चीज़ के भी साथ खाइए, और ये 15 से 20 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं बहुत अच्छे से। टमाटर की चटनी तो बन चुकी थी, और नहाने जाने से पहले ये मटर को अच्छे से फ्राई करके रख के गए थे ठंडा होने के लिए, तो ये ठंडा भी हो गया है। अब इसको जल्दी से पीस लेते हैं, देन इसके बाद इसके बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से पराठे। और हमारे यहाँ जो मटर के पराठे बनते हैं ना, उससे ये टमाटर की चटनी पापा बहुत पसंद से खाते हैं, तो ये बनती ही बनती है। तो आज बना ही रहते, तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दे।
सभी लोग बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो पापा को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते भी हैं। जब तक ये चटनी हमारे घर में रहती है ना, तो पापा को इसके आगे सारी सब्जियाँ सब कुछ फीकी ही लगती है, उनको हर चीज़ के साथ ये चटनी चाहिए होती है, तो इतनी ज़्यादा पसंद है पापा को। तो यहाँ पे पराठे बनना शुरू हो गए हैं, तो जल्दी से पराठे बना लेते हैं, फिर लगाते हैं लंच की थाली। आज के लंच थाली में है बूंदी का रायता, टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, गाजर का अचार और ये मटर का पराठा। तो आ जाइए आप सब भी लंच करने, बहुत ही यम्मी थाली तैयार हुई आज लंच की। इतना बढ़िया लंच करने के बाद ना बिल्कुल नींद सी आ रही थी, लग रहा था बस बिस्तर मिले और सो जाओ, सोना था नहीं। सोते तो फिर सुबह सुबह जो एक्सरसाइज करते उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आ गए थे हम यहाँ बाहर, और बाहर इतना बढ़िया मौसम था ना, तो हम बोले चलो थोड़ा सा किचन गार्डन की सैर करते हैं, और उसके बाद ये सब कुछ दिख गया जिसको हम कैप्चर किए बिना नहीं रह सकते थे, तो हम सोचे आप लोगों के साथ भी शेयर करना तो बनता है। और यहाँ देखिए बारिश शुरू हो गई है। हम लोगों को तो ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, पर कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही बुरा टाइम है। जो किसान हैं, जिनका घर इसी से चलता है, जो हमारे लिए अनाज तैयार करते हैं, उनकी सारी फसल ख़राब हो जा रही है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। तो यहाँ पे मम्मी आंटी बातें कर रही हैं और हम बैठे हुए हैं, तो अब इस व्लॉग को यहीं पर हम आज के व्लॉग को एंड भी करने वाले हैं, और मिलेंगे आप सभी से एक नए व्लॉग में। और अगर आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे देखिए मम्मी विनी को बुला रही थी, तो भागते हुए वो पोर्च में गई है मम्मी के पीछे पीछे, और बारिश थोड़ी थोड़ी सी अभी खो ही रही है, तो यहाँ झूले पे बैठ के बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए आप सभी से मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। विनी विनी बैठ जाओ।